हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भौतिक स्वरूप पर बात करेंगे। भौतिक स्वरूप या इसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल डिवीज़न या प्राकृतिक विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें पूरे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो बाहरी क्षेत्र है, वो हर जगह पर एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाया जाता है, कहीं मैदान पाया जाता है, कहीं पर घाटियां पाई जाती हैं। तो अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है पृथ्वी में, अलग अलग लैंडफॉर्म्स या अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गगनचुंबी पर्वत हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। तो भारत की भी अलग अलग क्या है, स्थलाकृति है या लैंडफॉर्म्स हैं। तो हम पहले भारत को समझ लेते हैं, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाजन देखेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न जो आता है वो भारत से ही हमको समझ में आएगा, इसलिए हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा भारत, ठीक है। जल्दी से हमने एक मैप बना लिया, तो ये हमारा भारतवर्ष हो गया। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, आपका जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो हिस्सा है ये बहुत ऊंचा है, जिसे हम उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, ये पूरा भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। पर्वत क्या होता है अगर आप इसे समझें, तो पर्वत एक ऐसी आकृति है स्थल की, जो अपने आसपास के क्षेत्र से क्या होती, काफी ऊपर उठी हुई होती है, और जिसमें क्या होता है, एक तीव्र ढाल होता है, स्लोप होता है। ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, पर्वत कहते हैं। तो पर्वत एक ऐसी स्थलाकृति है जो अपने आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊपर उठी हुई होती है और जिसमें एक तीव्र ढाल होता है, वो पर्वत कहलाता है। पर्वत कहलाने के लिए या माउंटेन कहलाने के लिए कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, उसे हम पर्वत कह सकते हैं। तो ये पर्वत होता है, पर्वत का ही छोटा रूप, जिसको हम पहाड़ी बोलते हैं, हिल्स वगैरह बोलते हैं, तो वो हिल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा पर्वत है नॉर्थ में। जैसे ही पर्वत समाप्त होता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा मैदान है, ये ठीक है। ये वाला भारत का जो हिस्सा है इसको हम मैदान कहते हैं, ये मैदान है, ठीक है। मैदान में बहुत कम ढाल होता है, प्लेन है, ये समतल है, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका पंजाब राजस्थान से लेकर के असम तक जाता है, तो असम तक का ये जो भाग है इसको हम भारत का मैदान कहते हैं, ठीक है। इसे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो अभी हमारा विषय नहीं है। लेकिन आप ये जानिए कि ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये गंगा यमुना का मैदान है, या उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपी पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। तो ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपी पठार है, जो कि तीन ओर से क्या है, सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये प्रायद्वीपी पठार है, दक्षिण भारत का क्या है, प्रायद्वीपी पठार है। और ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये किनारे किनारे वाला, ये तटीय मैदान कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो भारत को इतने अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ये आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तर भारत का मैदान है, ये दक्षिण का प्रायद्वीपी पठार है, ये आपका तटीय मैदान है। ये सामान्य परिचय भारत के भौतिक विभाजन का। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत शामिल की जाती है। छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा प्रायद्वीपी पठार का एक भाग है, और प्रायद्वीपी पठार के
ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में इसकी स्थिति है। तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, ये पहली बात जो आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि छत्तीसगढ़ जो है हमारा इस प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और ये वाला जो हिस्सा है झारखंड का, इसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। और ये कहलाता है बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है? बघेलखंड का पठार, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय आपको याद रखना है। चलिए अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पठार क्या होता है। पठार भी एक हाईलैंड ही होता है, अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भाग पठार होता है, लेकिन पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। पर्वत में देखेंगे आप तो क्या होता है, ये भी अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ होता है, इसमें एक तीव्र ढाल दिखाई पड़ रहा है, इसमें पीक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊंची चोटी होती है। जबकि अगर हम पठार की बात करें तो पठार भी अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी है। और मैदान जो होता है ये बहुत नीचे होता है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता अपने आसपास के इलाके से, और इसमें बहुत कम ढाल होती है। ठीक है, तो ये प्लेन कहलाता है। पठार के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर्वतों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो अभी हमारा विषय नहीं है। हमें अब समझना है कि छत्तीसगढ़ का भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, देखो भौतिक स्वरूप बोलने का मतलब है छत्तीसगढ़ का आउटर स्ट्रक्चर। जैसे इंसानों का एक फिजिक होता है, ठीक है, एक भौतिक बनावट होती है कि हमारे हाथ हैं, हमारे आँख हैं, हमारे पैर हैं, ठीक है, हमारा एक सर है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भी क्या है, एक भौतिक स्वरूप है। तो छत्तीसगढ़ का भी भौतिक स्वरूप जो है विभिन्नता लिए हुए है। छत्तीसगढ़ को भी आप देखेंगे तो इसे भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को चार भागों में हम विभाजित करते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, जिसका नाम आपको याद रखना है। तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी हिस्सा, ये दो भागों में विभाजित है। ये जो आपका उत्तरी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ये दो भागों में विभाजित है। पहला जो है जिसका हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। मैंने अभी बताया आपको कि जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसे हम बघेलखंड का पठार कहते हैं, और बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ का भाग है, जिसे हम पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये वाला जो भाग है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये हिस्सा जो जसपुर में पड़ता है, अधिकांश हिस्सा जिसका, उसे हम बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या कहा जाता है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है। तो पहला हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा हो गया जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो मध्य वाला भाग है इसे हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य वाला भाग है ये क्या कहलाता है? महानदी बेसिन कहलाता है। और छत्तीसगढ़ का जो सुदूर दक्षिणी भाग है बस्तर संभाग में, इस भाग को हम नेचुरली दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, वास्तव में हमारा छत्तीसगढ़ वैसे तो एक पठार ही है, पूरा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन यहाँ पे भी हिल्स हैं, कुछ घाटियाँ भी हैं छोटी छोटी। ठीक है, पठार भी है, मैदान भी है। तो छत्तीसगढ़ का भी भौतिक स्वरूप क्या है? विभिन्नता लिए हुए है। तो इसे हम चार भागों में बांटते हैं। ये है दंडकारण्य का पठार, ये वाला हिस्सा है महानदी बेसिन, ये वाला हिस्सा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और ये वाला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, या इसे सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसका विस्तार देखें छत्तीसगढ़ में,
तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक विस्तार लिए हुए महानदी बेसिन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? महानदी बेसिन, ये नंबर वन पे आता है। ठीक है, ये क्या आता है? आकार के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है दंडकारण्य का पठार, तीसरे नंबर पर आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और चौथे नंबर पर आता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और महानदी बेसिन सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, आकार के आधार पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने डायरेक्शन के आधार पर देखा, अब हम आकार के आधार पर इसे लिख लेते हैं, फिर इसका हम प्रतिशत विस्तार और क्षेत्रफल देखेंगे। तो पहला है महानदी बेसिन, या इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। दूसरा है आपका दंडकारण्य का पठार, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू बोलते हैं। और चौथा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, तो महानदी बेसिन का पूरे क्षेत्रफल का जो एरिया है, पूरा जो एरिया है महानदी बेसिन का, वो एक तो आपका मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है पहली बात, और ये आपका कुल है 68064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 68064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महानदी बेसिन, 68064। ठीक है, दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल है 39060, पूर्वी बघेलखंड का पठार 21863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप इसको लमसम 68000, 39000, 21000 और 6000 ऐसे याद रखिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप परफेक्ट डाटा याद रख सकते हैं। पहले 68000, 39000, 21000 और 6000 इस प्रकार याद रखिए, फिर आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। तो महानदी बेसिन सबसे विशाल है, 68064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठार 39060 दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तीसरे नंबर पर पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है 21863 वर्ग किलोमीटर, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश चौथे नंबर का भौतिक प्रदेश है 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका प्रतिशत विस्तार देखें तो आपको याद रखना है 50-34। ठीक है, महानदी बेसिन का प्रतिशत विस्तार है 50-34, 50.34%। दंडकारण्य का पठार है 28-91, पूर्वी बघेलखंड का पठार है 16.16%, और 4.59% पर जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, 50-34, 28-91, 16-16, 4-59, 50.34, 28.91%, 16.16% एंड 4.59%, ये इसका प्रतिशत विस्तार है। पहले आप इसका लोकेशन दिमाग में रखिए, फिर एरिया याद रखिए, फिर प्रतिशत विस्तार याद रखिए। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में इसका हम एग्जैक्ट विस्तार देखें तो आपका जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो संपूर्ण कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, ठीक है, बलरामपुर जिला का जो पश्चिमी वाला भाग है, और आपका सरगुजा का ये वाला हिस्सा छोड़कर, ये हिस्सा जो आपका मेन पार्ट वाला भाग है सरगुजा का, और ये आपका जो बलरामपुर जिला है इसका जो सामरी कुसमी तहसील वाला भाग है, इस हिस्से को छोड़कर ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है उसका भी कुछ हिस्सा शामिल किया जाता है। तो ये आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा,
इन चार जिलों में विस्तार है। उसके बाद इधर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसे हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं, संपूर्ण आपका जसपुर जिला, ठीक है, और बलरामपुर जिले का सामरी कुसमी तहसील, और सरगुजा का मैन पाट जारंग पाट वाला जो भाग है ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजनांदगांव का ये मोहेला मानपुर वाला भाग छोड़कर बाकी ये जो आपको मध्य छत्तीसगढ़ दिख रहा है, पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा रायपुर संभाग और लगभग 90% से अधिक दुर्ग संभाग, ये महानदी बेसिन का भाग है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक भाग पर विस्तारित है, ठीक है। ये सारा जो दिख रहा है आपको ये महानदी बेसिन है। उसके बाद ये जो नीचे वाला सुदूर वाला भाग है, राजनांदगांव जिले का और बालोद का कुछ हिस्सा, ठीक है, कांकेर पूरा आपका, नारायणपुर पूरा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। हम जब महानदी अपवाह तंत्र या फिर अपवाह तंत्र पे बात कर रहे थे तो हमने इन क्षेत्रों का नाम बताया था आपको, आपको आज ऐसे याद रखना है, एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए हमने इतना ही बनाया है वीडियो, हम महानदी बेसिन पर एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो दंडकारण्य का पठार, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और एक जसपुर सामरी पाट प्रदेश पर, और एक वीडियो जो है वो हम इस पूरे क्षेत्र पर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।